السلام عليكم. وعليكم السلام. जी हनान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? जी, शुक्रिया। अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर, आ रही है अभी। चलें, अभी बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, आस्ते आस्ते तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर तक। ठीक सर। हेलो सर,
जी हनान, चेक करें बाकी लोगों को भी आप। यस सर, मैं पूछता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, वजीर रहमान कैसे हैं? सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? अच्छा, सर बहुत हल्की आ रही है। आपको आवाज आ रही है? सर, मुझे तो आ रही है। वो जी आप चेक करो सर अपना आपकी स्पीकर आवाज वगैरह। बहुत हल्की आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप अपने एंड पे ना स्पीकर वगैरह चेक करो, वॉल्यूम वगैरह सर वो चेक अपना। करूंगा। करें बाहर ही आवाज सर आपकी आवाज। जी आपकी आवाज़ तो मुझे सही क्लियर आ रही है। सर अब आपकी भी आ रही है क्लियर। चलें, गुड हो गया, बेहतरीन। और सुनाए, ठीक ठाक है? अच्छा, जी सर बिल्कुल ठीक ठाक। यूनिवर्सिटी बैठे हुए इस टाइम। माशाल्लाह, गुड। कितने आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर? और जी सर आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर? सर और कोई भी नहीं है। मैं ही आया हूँ सर। वो अपने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज उठाने सर रिपीट कर, तो वो उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी थी। तो अभी मैंने यहाँ पे ना व्हाइट बोर्ड भी अरेंज किया है आप लोगों के लिए, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, मैं अगर कल कुछ 5 मिनट के लिए टेस्ट कर लेता हूँ कि आपको ये विजिबल है या नहीं। सर वो जिया कह रहे हैं वो 10 बजे तक आ जाएगा। उसके FIP से रिलेटेड कोई काम था, वो इमरजेंसी में काम आ गया। मैं कर के आता हूँ। चलो ठीक है, जी ये आपको अवेलेबल है बोर्ड? यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है?
जी स्टूडेंट स्टार्ट करें फिर। हाँ जी सर करें स्टार्ट। ओके, अभी दो लोग हैं आप, तो खैर इसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं आ रहे अभी या लेट हैं तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एनीवेज आपको बता दूँ कि जो अटेंडेंस है इसमें आपकी मैंडेटरी है, ठीक है। ये अटेंडेंस आपकी काउंट होगी जो टीम्स के ऊपर आप लेक्चर अटेंड करेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर आप ना दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो क्योंकि इसका इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो रहा, यही एक क्लास है जिसमें कि आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं लोगों को, तो इसलिए आप अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं इसको, तो इसको मिस ना करें, ठीक है। आवाज कट रही है आपकी, मुझे तो आवाज आपकी तरफ भी समझ नहीं आ रही। आप अपने एंड पे चेक करें ना, आपका माइक का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पास तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। बाकी जो दूसरा स्टूडेंट है वो आप चेक करें अपने कुछ। सर आवाज आ रही है, बजी की कह नहीं आ रही सर, अब आवाज आ रही है। जी जी आवाज आ रही है जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चे ग्रुप में बोल रहे हैं कि वो एडिट नहीं है टीम्स पे, उनको जरा चेक कर लें। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज बना रहा है? जी सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, बोलो क्या कह रहे हैं वो, कि टीम्स के ऊपर नहीं है वो? जी सर एडिट नहीं है ग्रुप में। नहीं मैंने तो सबको ऐड किया, पता नहीं सर वो बोल रहे हैं। कौन का नाम? दोस्त सर सर वो तलब खुशीद है सर, वो कह रहा है एडिट नहीं हो सर, वो वाकई नहीं एडिट। अच्छा
तो इसमें प्लान नहीं है। ठीक है, सलाह को मैंने कॉल सेंड किए, अभी वो ज्वाइन कर लो। जी तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। हेलो जी सर, स्टार्ट करें। अच्छा, लास्ट टाइम का कुछ याद है कि हमने कहाँ पर स्टॉप किया था? आपकी विजिबल है अभी जो आपको बीजे, यस सर। तो दिस इज बीजेटी एम्पलीफायर जिसका हम फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो दिस चैप्टर इज अबाउट फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एंड एफईटी एम्पलीफायर एंड दिस इज चैप्टर 9। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बीजेटी एम्पलीफायर और इसका हम फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फ्रिक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है। तो इसमें हमने कहा था कि फ्रिक्वेंसी रिस्पांस इज अ प्लॉट ऑफ फ्रिक्वेंसी वर्सेस गेन ऑफ द एम्पलीफायर। सो ये जो आपका एम्पलीफायर है इट हैज सर्टेन गेन, ठीक है। तो इस एम्पलीफायर का सर्टेन गेन है आउटपुट और इनपुट, और जो गेन है इसका वो इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखूं तो और फ्रिक्वेंसी चेंज करूं इनपुट सिग्नल की, दिस इज माय इनपुट सिग्नल और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो मैं वेरी करूं फ्रॉम 0 to infinity हर्ट्स, तो स्वीप ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए जो इसका रिस्पॉन्स होगा वो मैं कैसे कंप्यूट करूँगा। इसका जो रिस्पॉन्स होगा, इसका जो गेन होगा वो चेंज होगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका गेन। तो गेन जो है वो वैसे तो आपने देखा होगा कि गेन इज तो है गेन इज इक्वल टू आउटपुट और इनपुट। तो इनपुट जो है वो हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, इनपुट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इसका मतलब कि जो इनपुट अगर कॉन्स्टेंट है तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ आउटपुट इक्वल टू गेन टाइम्स इनपुट, सही। इसका मतलब इनपुट कॉन्स्टेंट है तो क्या चीज़ चेंज हो रही है? गेन चेंज हो रहा है। तो गेन चेंज हो रहा है, गेन जो है वो आपका वैसे एक सिंगल फ्रिक्वेंसी के ऊपर कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंसी चेंज करें तो गेन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैंने एक प्लॉट देखा था फ्रिक्वेंसी रिस्पांस का, जिसे टिपिकल फ्रिक्वेंसी रिस्पांस,
So basically, gain is a function of gain is a function of frequency. Okay. तो इसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम गेन को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का एक डिस्टेंस है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जीरो से इंफिनिटी की तरफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज हो जाएगी, जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा प्लस भी इंफिनिटी। और इस एक्सिस के ऊपर आपका गेन है और हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन की एक सडन वैल्यू है और गेन की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, हर फ्रिक्वेंसी के गेन गेन डिफरेंट है, कुछ फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन कॉन्स्टेंट है और हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन रिड्यूस कर रहा है और लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो गेन है वो किस चीज़ का फंक्शन है, फ्रिक्वेंसी का फंक्शन है from this amplifier, right? अब मेरे पास ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका जो रिस्पांस है वो चेंज हो रहा है, गेन चेंज क्यों हो रही है, ये गेन की वैल्यू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी चेंज करने से गेन के ऊपर क्यों इफेक्ट आ रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका गेन फ्रिक्वेंसी के साथ साथ चेंज आ रहा है, एनी आइडिया? जी, एनीवन? आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो इस एम्पलीफायर को जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है, इसको जब आप चैप्टर 5 में सॉल्व कर रहे थे, इसका गेन कंप्यूट कर रहे थे, तो कुछ याद है कि आप क्या करते थे? आप कैपेसिटर जितने भी थे उनको आप शॉर्ट सर्किट ट्रीट करते थे और ये सर्किट को आप सॉल्व करके सीक्वेंस सर्किट ड्रा करके आप गेन की वैल्यू कंप्यूट करते थे। तो वो जो गेन की वैल्यू आप कंप्यूट करते थे वो एक कांस्टेंट गेन की वैल्यू आपको इस एम्पलीफायर की मिलती थी कि ये एम्पलीफायर इतना एम्पलीफायर करेगा। तो फॉर एग्जांपल इसका गेन 50 है तो ये 50 टाइम्स एम्पलीफाई करेगा इनपुट के ऊपर। तो उस वक्त आप कैपेसिटर्स को क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट, याद है? जी सर, याद है। बिल्कुल, तो कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट करते थे तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर्स का कोई रोल नहीं था उसमें फ्रिक्वेंसी के लिए। आपको पता है कि जो फिल्टर्स होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये कौन से कंपोनेंट्स से इंप्लीमेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स आपको आपके फिल्टर्स में यूज होते हैं? आरसी सर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आपके फिल्टर्स। बिल्कुल, अगर सर्किट में कैपेसिटर्स हो तो उनकी वजह से क्या फ्रिक्वेंसी जो रिस्पांस होगा वो कांस्टेंट होगा? मतलब अगर कैपेसिटर्स हो तो क्या जो आपका रिस्पांस होगा वो चेंज होगा या फिक्स रहेगा? सर, उनकी वजह से वेरिएबल नहीं हो जाएगा जो चेंज होगा, रिस्पांस होगा, रिस्पांस वेरिएबल होगा। बिल्कुल, अगर कैपेसिटर्स किसी भी सर्किट में होंगे तो उन कैपेसिटर्स की वजह से जो आपके आउटपुट है वो कुछ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपको मैक्सिमम मिलेगी, कुछ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपको आउटपुट जो है वो कम मिलेगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो जो कैपेसिटर्स हैं वो सारे फ्रिक्वेंसीज को पास नहीं करते। ठीक है, उससे आप कैपेसिटर से लो पास फिल्टर भी बना सकते हैं, हाई पास फिल्टर भी बना सकते हैं। बिल्कुल सर, एंड पास फिल्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी सर्किट में कैपेसिटर्स इन्वॉल्व होंगे तो आपका जो सर्किट, आपका जो रिस्पांस होगा, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस, वो कभी भी सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होगा, तो उसका जो गेन है या उसके आउटपुट है वो चेंज होगी। ठीक है
सर, तो हम डीसी एनालिसिस से ही हमेशा शुरू करेंगे। जी इसका एनालिसिस भी बिल्कुल आप डीसी से स्टार्ट करेंगे। डीसी एनालिसिस से इसका आप फाइंड करेंगे क्यू पॉइंट, ठीक है, और जो डायनामिक रेजिस्टेंस वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर आप इसका एसी एनालिसिस करेंगे। एसी एनालिसिस में पहले आप इसका गेन कंप्यूट करते थे और इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस। अब एक नया पैरामीटर भी है कि उसका बैंडविड्थ भी आपने कंप्यूट करनी है। बैंडविड्थ क्या है इसके लिए, जो इसके जो हायर कट ऑफ है और लोअर कट ऑफ, यहाँ पे हम कट ऑफ डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बैंडविड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि वन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ एल, जिससे कि सेकेंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ एच, एंड दिस इज द पैरामीटर। ठीक है, तो बैंडविड्थ भी डिफाइन है एफ एच माइनस एफ एल। ठीक है, राइट। तो अब इस एम्पलीफायर, ये जो भी आपको एम्पलीफायर नज़र आ रहा है बीजेटी एम्पलीफायर वोल्टेज डिवाइडर बाय इसका मैनोमीटर, इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वो टिपिकली इसी तरह के ही होगा। ठीक है, इट हैज़ इट इज काइंड ऑफ अ बैंड पास रिस्पांस। ये जो भी आपको रिस्पांस नज़र आ रहा है ये कोई किस तरह का रिस्पांस है, बैंड पास रिस्पांस। ठीक है, तो बैंड पास रिस्पांस क्या होता है, बैंड पास रिस्पांस में सिर्फ एक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं वो पास होते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी गेन आपका रिड्यूस होता है और हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी आपका गेन रिड्यूस होगा। ठीक है, तो गेन कम होगा हाई फ्रिक्वेंसी पर भी गेन कम होगा, लोअर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी गेन आपका कम होगा, सिर्फ जो मिड फ्रिक्वेंसीज हैं वो पास होंगे। ठीक है, ओके जी सर। तो अब हमने ये देखना है कि जो ये एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर में जो रिस्पांस आपका अफेक्ट हो रहा है फ्रिक्वेंसी के साथ, इसमें कौन कौन से कैपेसिटर हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इनके सर्टन पर्पजेज हैं, ये बेसिकली कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, कुछ कुछ बाईपास कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, तो इनके एक स्पेसिफिक रोल है यहाँ पे इस सर्किट में, तो ये डीसी को ब्लॉक करते हैं यहाँ पे और एसी को पास करते हैं, एसी को कपल करते हैं। तो इन कैपेसिटर्स की वजह से फ्रिक्वेंसीज एम्पलीफायर जो है वो हर सारी फ्रिक्वेंसीज को पास नहीं करेगा। ठीक है, कुछ फ्रिक्वेंसीज इसमें से पास होंगे और कुछ पास नहीं होंगे। अब हमें देखना है कि कौन से फ्रिक्वेंसीज इसमें से पास होंगी और कौन से ब्लॉक होंगे। तो ये जो रिस्पांस है लो फ्रिक्वेंसी एंड के ऊपर, ये किन कंपोनेंट्स की वजह से ये आपको रिस्पांस रिड्यूस मिल रहा है या अफेक्ट हो रहा है, इसका रिस्पांस जो है ना वो पुअर है, इसका रिस्पांस इसका गेन ड्रॉप कर रहा है, कौन से कंपोनेंट्स की वजह से, कौन से कैपेसिटर्स की वजह से। ठीक है, नंबर वन इज दिस, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस रीजन में कैपेसिटिव इफेक्ट्स क्या है। तो इस रीजन में आपका रिस्पांस मैक्सिमम है और अच्छा बेटर रिस्पांस है, फ्रिक्वेंसी जो है पास हो रही है विद मैक्सिमम गेन। ठीक है, और उसके बाद जब आप हाई फ्रिक्वेंसीज पे जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इस एम्पलीफायर में कौन से कंपोनेंट्स हैं, रिस्पांस आपका गेन डिक्रीज कर रहा है, आपका रिस्पांस गेन पुअर हो रहा है, गेन ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, और वो देखना हमने कि इस एम्पलीफायर में वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है,
आइडियली हम ये चाहते हैं आइडियल एम्पलीफायर वो होगा जो कि जीरो हर्ट्ज से लेके इनफिनिटी हर्ट्ज तक सारे फ्रिक्वेंसी को पास करे, उसका रिस्पांस मैक्सिमम। ठीक है, तो आइडियल फिल्टर वो है। जो लो पास फिल्टर है या लो पास रिस्पांस है किसी भी एम्पलीफायर का, वो रिस्पांस किस तरह का होगा? लो पास रिस्पांस लो पास रिस्पॉन्स ये होगा कि जो आपका एम्पलीफायर होगा वो लो फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा और हाई फ्रिक्वेंसीज को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिस्पांस बैंड पास रिस्पांस ये है कि ये लो फ्रिक्वेंसी को भी पास नहीं करता और हाई फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करता। आपके ख्याल में इन दो रिस्पॉन्स में से कौन सा रिस्पांस बेटर है? सर वो तो हमारी यूज पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमें किस तरह का फिल्टर चाहिए। नहीं देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं एक दो एम्पलीफायर दे रहा हूँ, आपने चूज करना उसमें से, एक एम्पलीफायर वो है कि जो सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करेगा, ठीक है, लो तो सारी लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। ठीक है, अब हाई फ्रिक्वेंसी का भी मैं समझ लें कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के तरह जो उसको, ठीक है, और दूसरा एम्पलीफायर है जो कि लो को भी नहीं पास करेगा और हाई को भी नहीं पास करेगा, सिर्फ मिडल को पास करेगा। फिर तो बैंड पास ही बेहतर लगता है सर। वाय, अगर आपको लो फ्रिक्वेंसी को भी एम्पलीफाई करना हो तो फिर क्या करेंगे? सर वही, फिर देखें, फिर तो फिर वही बात उठगी ना, मतलब हमारी यूज अगर लो फ्रिक्वेंसीज की है तो फिर हम लो पास ही यूज करें, और अगर हाई फ्रिक्वेंसीज की है तो हाई पास ही वो। फिर आपको कहना चाहिए था कि सर मैं लो पास ही यूज कर लेता हूं, क्योंकि लो पास के पास मेरे पास मार्जिन भी है, मैं लो फ्रिक्वेंसी को भी पास करना चाहूँ तो वो भी पास कर देंगे, लेकिन इसमें मैं आपको अगर ये चूज कर लेते तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि लो फ्रिक्वेंसी को भी एम्पलीफाई करना है तो फिर वो कैसे करेंगे? तो एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि सारी फ्रिक्वेंसी को पास करे वो कौन सा होगा? आइडियल एम्पलीफायर वो होगा जो लो फ्रिक्वेंसी को भी पास करे और इस तरह का होगा वो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को बेहतर एम्पलीफाई करेंगे, हाई को ये रिस्पॉन्स ऐसा होगा जो कि लो को भी प्रॉब्लम करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को भी प्रॉब्लम करेगा, सिर्फ एक सेटर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के यूज करना। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि आपके जो एम्पलीफायर है वो आइडियल तो कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो इस तरह का रिस्पांस है ओपन जो है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर आगे चल के उसका रिस्पांस इस तरह का होगा। ठीक है, लो पास का वो लो फ्रिक्वेंसी को भी आपके डीसी भी एम्पलीफाई कर रहा होगा, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जाके इसका रिस्पांस आपको बेहतर नहीं मिलेगा। ठीक है, एनीवे फिर आप ना उसमें भी एडवांसमेंट्स हैं, अच्छे पावर एम्पलीफायर्स भी बेटर परफॉर्मेंस के साथ भी एम्पलीफायर बढ़े हैं, गारंटी है जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे भी यूजफुल हैं। ठीक है, जो सिंगल ट्रांसफर कैपेसिटर आप देखें, जो आपने अभी जो कपलिंग कैपेसिटर आपको मैंने दिखाया है और बाईपास कैपेसिटर, उनकी वजह से ना आप डीसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकते, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका गेन जो है ना वो पुअर रहेगा, लो फ्रिक्वेंसी पास नहीं होगी। अगर आप गौर से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल यहाँ पे अप्लाई होगा इस कैपेसिटर के इनपुट के ऊपर, आपको पता है कि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस डीसी के ऊपर क्या होता है? ओपन सर्किट होता है।
बीसी के लिए कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी के ऊपर क्या होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। कैसे जो होगी तो रिएक्टेंस क्या होगी? इनफिनिटी, इनफिनिटी हो जाएगी सर। इज इक्वल टू 0 एक्स सी इज इक्वल टू इनफिनिटी। इनफिनिटी का मतलब है ओपन, ओपन। यस सर। तो अगर मैं कोई कैपेसिटर लगाता हूँ और इसमें का सर्किट बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिग्नल देता हूँ इनपुट और ये डीसी हो, तो ये कैपेसिटर क्या आ जाएगा? ओपन सर्किट, ओपन हो जाएगा सर। अगर ये सर्किट कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे जो भी सिग्नल लगेगा, यहाँ पे लेफ्ट से मैंने 1 वोल्ट लगाया, तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा? डीसी 1 वोल्ट। यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? यहाँ से करंट जो है ना वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब करंट जीरो हो जाएगा तो इस रेजिस्टर में कितना वोल्टेज आएगा? इस रेजिस्टर में जो भी इसकी वैल्यू है, करंट जीरो है तो इसके ऊपर वोल्टेज क्या देंगे? वोल्टेज ड्रॉप कितना देंगे? रेजिस्टर पे करंट जीरो हो तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो ही रहेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज जीरो आ जाएंगे, कोई वोल्टेज नहीं होंगे, सारे के सारे वोल्टेज कहाँ पे आ जाएंगे? इसके पास पे। तो जितने भी वोल्टेज है वो सारे ओपन सर्किट पे आ जाएंगे और आउटपुट जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, इसका मतलब कि ये अगर सिग्नल के पास में कैपेसिटेंस आ रही हो, जहाँ पर कैपेसिटेंस लगी थी, उस कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है वो फ्रिक्वेंसी के साथ साथ चेंज होगी। जो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी रिएक्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, और एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इसकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो। अगर मैं फ्रिक्वेंसी को इंफिनिटी, अगर मैं फ्रिक्वेंसी को इंफिनिटी कर लूँ, बैक से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक्स से जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इसको मैं जीरो ओम मतलब शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट के ऊपर वोल्टेज कितना लेंगे? 0 वोल्ट। और यहाँ पे अगर मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं विद फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफिनिटी, गीगाहर्ट्ज़, टेराहर्ट्ज़, बहुत ऊपर चले गए, उसके ऊपर तो वहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है कितना लेंगे? सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पे। इस समय ये जो रिस्पॉन्स होगा किस तरह का सर्किट का, वो रिस्पॉन्स किस तरह का होगा? लो फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स कम होगा और हाई फ्रिक्वेंसी को फिर रिस्पॉन्स मैक्सिमम होगा। तो ये जो सर्किट है जिसमें ये कैपेसिटर हो और उसके से रेजिस्टर हो, ये आधे पास हो जाएगा। ठीक है, हाई पास फिर से का रिस्पॉन्स आउटपुट। ठीक है, जी सर। तो अब एक रिस्पांस आपने देख लिया, ये रिस्पांस जो कि हाई पास रिस्पांस है, इसमें ये इसको इस पूरे रिस्पांस को अगर मैं ब्रेक करूं यहाँ सेंटर से इस जगह से, ठीक है, तो सेंटर से मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास इसका एक पोर्शन आपका आ जाता है हाई पास यहाँ तक, और एक पोर्शन आ जाता जो इससे नेक्स्ट वन है, दैट इज कॉल्ड लो पास। इस तरह का, ठीक है, तो बैंड पास जो रिस्पांस होता है दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ लो पास एंड हाई पास। ठीक है, आपको पता है मैंने बैंड पास फिल्टर अगर बनाना है तो मैं
एक तरीका यह है कि मैं एक लो पास फिल्टर लूँ, एक हाई पास फिल्टर लूँ, दोनों को कैस्केड करूँ, तो मेरे पास कौन सा फिल्टर बन जाएगा? बैंड पास सर। बैंड पास। तो लो पास, ये लो पास है, ये हाई पास है, इन दोनों को मैं अगर मिलाऊंगा तो मेरे पास कौन सा फिल्टर बनेगा? बैंड। ठीक है, और मैं अगर सर्किट पे आऊँ तो सर्किट में ये अभी मैंने आपको बताया कौन सा फिल्टर है, ये हाई पास फिल्टर, और इसके साथ मैं लो पास मिला दूँ, लो पास कैसे बनेगा? पहले रजिस्टर पास लूँ और फिर रजिस्टर पास की पोजिशन को मैं क्लियर कर दूँ, ये मेरा जो फिल्टर बनेगा ये बनेगा बैंड पास। ठीक है, वहाँ बिल्कुल दूँ और जहाँ से आपको इसको मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस फिल्टर का रिस्पॉन्स जो है वो जिसमें एक कम्बिनेशन है हाई पास फिल्टर है, दिस इज हाई पास, ठीक है, तो दिस इज हाई पास। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये क्लेम करूँ कि ये जो एम्पलीफायर है बीजेपी, इसका जो रिस्पांस है फ्रिक्वेंसी रिस्पांस, वो इस तरह का एक बैंड पास रिस्पांस, इसका मतलब ये होगा कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक हाई पास कॉन्फ़िगरेशन बना रहे होंगे इस तरह के, जो कि लो फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये सर्किट जो है ना लो फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करेगा, और कुछ इसमें कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिनका रिस्पांस हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर पोर होगा, हाई फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करेंगे। तो कौन सा फिल्टर जो हाई फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करता? वो एक लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करता। तो ये जो सर्किट है इट वुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई पास एंड लो पास सर्किट्स। ठीक है, इसमें कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होंगे जो कि इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेंगे, लो को नहीं पास करेंगे। कुछ कंपोनेंट्स जो कैपेसिटर्स ऐसे होंगे जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। ठीक है, तो अब हम क्योंकि इस एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिस्पांस है ये किस तरह का रिस्पांस आएगा, और इस रिस्पांस में कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये रिस्पांस आपको बैंड पास रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखें कि जब भी आप इनपुट साइड पे कैपेसिटर यूज़ करेंगे और आउटपुट साइड पर, बस यहाँ पे इनपुट सिग्नल फीड कर रहे हैं कैपेसिटर को डायरेक्टली, और आउटपुट लोड के साथ आपने आउटपुट साइड पर भी कैपेसिटर लगाया, जब सिग्नल पास होते हैं इस कैपेसिटर से पास होते हैं आउटपुट पर जाना, तो जब इस सिग्नल के पाथ में कोई कैपेसिटर आ रहा होगा तो उस केस में आपकी जो कैपेसिटर की लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर रिएक्टेंस बहुत हाई होगी, तो इसका मतलब लो फ्रिक्वेंसी ये पास नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि सिग्नल के पाथ में जब कोई कैपेसिटर आ रहा होगा तो उस वक्त जो है वो लो फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करने देगा। उसकी रीज़न ये है कि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसकी जो रिएक्टेंस है बहुत हाई हो जाएगी। अभी आपने देखा था कि लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डी सी के ऊपर ये ओपन सर्किट हो जाता है और इसके ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है और आगे सिग्नल पास नहीं होता। ठीक है,
चला। अब मैं कुछ रिस्पॉन्सेज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आपको आवाज आ रही होगी। ये आपको फिगर विजिबल है, इसमें जो भी लिखा हो यानी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर। जी हेलो एनीवन, जी अरुबा, उमैद, हनान, माइक ऑन कर लो, मुझे बताएं कि आप आ रही है सुन रहे हैं, क्या कहते हैं। आ रही है थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे ना, ताकि ना पता चले मुझे आपको फोन दे रहे हैं, और थोड़ा सा क्लास का इंटरेक्टिव भी रखें। एनीवेज ये टिपिकल फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है एम्पलीफायर्स का, जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसमें ये लो फ्रिक्वेंसी रीजन है, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी रीजन है, और दिस वन इज द शेडेड रीजन इज मिड फ्रिक्वेंसी रीजन, दैट इज डिफाइंड बिटवीन योर लोअर कट ऑफ एंड हायर कट ऑफ, एंड इन बिटवीन दैट दिस इज द बैंडविड्थ, दिस इज बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। खुद एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स थोड़ा सा मॉडिफाई होगा इस तरह का, प्रिटी मच लो फ्रिक्वेंसी पे भी रिस्पॉन्स पोर होगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे भी रिस्पॉन्स पोर होगा, मिड फ्रिक्वेंसी पे रिस्पॉन्स मैक्सिमम होगा, बट एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पे ये रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफार्मर इफेक्ट। तो आपको पता है कि इंडक्टेंस आ गए सर्किट में, तो आपका जो आउटपुट है वो रेगुलेट भी कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह का भी रिस्पॉन्स पॉसिबल है कुछ एम्पलीफायर के केस में, विच इज कॉल्ड द डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का जो रिस्पॉन्स है, उसमें इनपुट साइड के ऊपर आपको कैस्टर्स यूज नहीं करते। अभी मैंने आपको बताया कि जब इनपुट साइड पर कैस्टर्स कनेक्टेड होंगे, तो लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आप लो फ्रिक्वेंसी पास नहीं होंगे, उनकी जो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कैस्टर्स रहते हैं उसके अभी बहुत नहीं होगी, वो पास नहीं करने देंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू डिज़ाइन अ एम्पलीफायर विच ऑल्सो पासिस लो फ्रिक्वेंसीज, देन यू हैव टू eliminate those capacitors और उस उन एम्पलीफायर को कहते हैं डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। उसका आप देखेंगे जहाँ पर जाएंगे तो कि उसमें इनपुट के ऊपर कोई कैपेसिटर्स, इनपुट या आउटपुट पे कोई कैपेसिटर यूज नहीं होते, जिसकी वजह से आपका जो रिस्पॉन्स है वो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो वन इज कॉल्ड आर सी कपल एम्पलीफायर, जो सबसे टॉप पे आपने देखा था आर सी कपल का, मतलब कि जो कैपेसिटर कपल रहा इनपुट साइड पे भी होगा कुछ साइड भी आपके पास कैपेसिटर्स हैं, और दूसरे केस में आप यू कैन सी ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर्स। ये जो एम्पलीफायर्स है ये आप देखेंगे पावर एम्पलीफायर्स में, उसमें भी क्लास ए जो एम्पलीफायर्स है दे आर ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर्स। इनका जो रिस्पॉन्स आता है तो मत वैसे ही होता है जिससे आर सी कपल है, उसमें भी आपके पास कर दिए जाते हैं इनपुट साइड के ऊपर और आउटपुट साइड के ऊपर। और ये अपने आपको बताया
example, they are a class A amplifiers और दे आर आर सी कपल्ड, और उनका जो रिस्पांस होगा वो आपका इस तरह का एक बैंड पास रिस्पांस होगा, जिसमें जो आपके लो फ्रिक्वेंसीज हैं उनके उनका जो रिस्पांस है वो इन कैपेसिटर्स की वजह से अफेक्ट होगा। ये जो कैपेसिटर्स है ये रोल प्ले करेंगे, इनकी वैल्यूज बताएंगे कि ये रिस्पांस जो है वो कितना फास्ट है, कितना फास्ट डिटेल करेगा या स्लो डिटेल करेगा, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी दैट इज डिटरमाइंड ड्यू टू दीज कैपेसिटेंसेस। ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जो कैपेसिटर्स हैं उनका इफेक्ट जो है वो आप कैपेसिटर्स का जो इफेक्ट है वो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, सो इन मिड फ्रीक्वेंसी रीजन कैपेसिटर्स would be capacitive reactants would become negligibly small and treated as short circuit. So we mean to say that the capacitor due to frequency increase that the capacitive reactants kya hoti hai decrease karte hai aur ek certain frequency pe ja ke reactants are zero ho gaya. Jab reactant zero ho jati hai to capacitor ka effect kya ho khatam ho jata hai, signal jo hai easily pass. इन कैपेसिटर के ऊपर इन कैपेसिटर कैपेसिटेंसेस की जो रिएक्टेंस है वो जीरो आउट हो जाती है या मिनिमल हो जाती है, तो इनका इफेक्ट यहाँ पर नज़र नहीं आता। और जो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो रिस्पांस है वो जो ड्रॉप करता है, उसकी जो मेन रीज़न है, देर आर मल्टीपल रीजंस, जिसमें कि एक रीज़न ये है पैरासिटिक characteristic capacitances of network and active devices, number one, and frequency dependence of gain of the transistor, FET or TTL. उसमें दो चीज़ें हैं, number one is characteristic capacitances, कौन सी characteristic capacitances, number one network की और active device की, और दूसरी जो चीज़ है वो है frequency dependence of the gain of the transistor, ठीक है, transistor में BJT या FET आते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये जो रिस्पॉन्स है इसमें जो कंटेंट में आ गई है आपकी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस, पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस। अब पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस में आपकी दो चीज़ें हैं, नेटवर्क या सर्किट का नाम, इसको सर्किट वायर्स हैं, एक्टिव डिवाइस। ठीक है, तो सर्किट वायर्स में सर्किट वायर्स की भी कुछ वायरिंग कैपेसिटेंस होगी, और एक्टिव डिवाइस की भी इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में एक कैरेक्टरिस्टिक कैपेसिटेंस होगी, ठीक है, और दूसरा सर्किट वायर्स और एक्टिव डिवाइस। सर्किट वायर्स में आपकी वायरिंग कैपेसिटेंस होगी, और एक्टिव डिवाइस के अंदर जो डिवाइस की इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स आर यू देयर?
लिसनिंग टू मी जी उमैद हनान जी आवाज आ रही है आपको उमैद जी सर आ रही है यार कुछ समझ भी आ रहा है आप लोगों को या नहीं जी सर आ रहे या कोई रिस्पांस भी दो ना रिकॉर्डेड है ना लेक्चर ये मसला आप लोगों का ये है ना मैं अब रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा ताकि आप लोग इधर आए आप लोगों को रिकॉर्डिंग का जब से पता चला है ना तो फिर डिले कर दें सारे लोग जो ना क्विट कर दें जा कह रहा था 10 बजे आ जाएगा वो अभी तक सर आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर भेजिएगा समझने में अगर पता है सर गो थ्रू में को समझ नहीं आता है वो रिकॉर्डेड पे जाके देखना पड़ता है एक दो बार अच्छे सर वहीं पे देख लिया करेंगे ये सर वो समझ ज़्यादा अच्छा हो जाता है फिर आप इंटरेक्टिव सेशंस तो नहीं कर सकेंगे ना मसला ये है सर इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे ना सर कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप इंटरेक्टिव सेशन में समझा दीजिएगा क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे अपने अभी पर पूछ लेंगे आपसे ये जो चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए ना या इसमें भी शुरू के जो टॉपिक्स क्लियर कंप्लीट हो जाए उसके बाद की रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास तो उस पर फिर हम आ जाएंगे वैसे जो जैसे आप बता रहे हैं लेकिन अभी तो आप थोड़ा सा ना इसको वहाँ तक तो पहुँचें जहाँ तक हम जो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो रही है वरना फिर आप ये वाली जो डिस्कशन है इसको मिस करेंगे तो वहाँ पर फिर आपको वो प्रॉब्लम आएगी समझने में सर लेक्चर रिकॉर्ड करके उसका लिंक शेयर कर दिया करें तो हम देख लिया करेंगे सर हमारे लिए भी इजी हो जाएगा चलो फिर इस तरह कर लेते हैं तो सर यूँ आपकी उसमें वो फिर यह कि कैंसर कट जाती होती है तो वो ऊपर नीचे आवाज़ भी होती रहती कट जाती है कभी वीडियो स्टक हो जाती है दरमियान में यहाँ पे जब ये लाइव सेशन चल रहा होता है तो ऑफिस के अंदर जब एक अनहेल्दी एटमोसफेयर क्रिएट हो जाता है तो वो प्रॉपरली समझ नहीं आता अभी आपको आवाज के प्रॉब्लम आ रहे हैं सर अभी आपकी बात ठीक आई है लेकिन आपने शुरू में कहा ना दो वर्ड वो डाउन रही है उसकी पिच अभी भी आपकी पिच और इंक्रीज कर रही है तो यू फ्लक्चुएट कर रही है पिच और वीडियो में भी इंटरप्शन आ रहा है सर वीडियो में भी इंटरप्शन आ रहा है कभी अभी सही चलने लग पड़ती है कभी कभी दरअसल रुक जाती है आवाज़ आती रहती है लेकिन वीडियो रुक जाती है फिर वीडियो चलती रहती है आवाज़ भी रुक जाती है वो ड्रॉप हो जाती है कनेक्शन अभी आपको स्क्रीन विजिबल है सर अभी तो विजिबल है इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से रिस्पॉन्स आपका डिक्रीज करता है जी सर कौन कौन से हैं बताएं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके वजह से लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर गेन आपका डिक्रीज करें रिड्यूस होगा रिड्यूस होगी क्वेश्चन नहीं समझ रहा हाँ हाँ ये लो फ्रिक्वेंसीज पे आपका गेन डिक्रीज कर रहा है की बात बिल्कुल नहीं आ रही की आवाज नहीं आ रही सही सर आवाज नहीं आ रही
जी अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी आवाज आ रही है आपको? अब आइए मैं ये पूछ रहा था कि लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपका जो गेन है वो डिक्रीज कर रहा है, वो कौन से कंपोनेंट्स की वजह से डिक्रीज कर रहा है? ये मैंने डिस्कस किया था पहले। सर सुबह बाद उत्तर नीचे और चीज समझ नहीं पा पा रही। कहते हैं कॉलेज सेशन कर लेते हैं, कहीं खत्म नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे। सर अब स्लाइड वगैरह नहीं पड़ी है कोई आपके पास? चाहिए ये पहले चैप्टर की स्लाइड है, इसके बाद जो बाकी हैं वो स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। चलें अभी थोड़ी देर ब्रेक करते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। 10 मिनट की ब्रेक करें। ओके। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ जी हेलो। हनान आवाज आ रही है मेरी? आ रही है यार। यार सर किधर गए? 10 मिनट की ब्रेक पे। यार ये सर से बोलो ना कि क्या ड्रामा है यार, पूरे 3 घंटे नहीं लिया जाता।
यार ऐसे ना, वो तो सर को मैंने मिला लिया ऑलमोस्ट के रिकॉर्डेड सेशन करेंगे। मैं यार ये हनान तुम लोग उस दिन नहीं थे, इसी तरह मैं अकेली पूरी क्लास के अंदर बैठी हुई थी, ठीक है। जोहेब आया, जोहेब ने देखा कोई भी नहीं है, 10 मिनट बाद वो चला गया। उस टाइम मैंने सर को इतना बोला, मैंने कहा सर देखें 3 घंटे की कंजेक्टिव क्लास नहीं ली जाती 12 बजे तक, आप तो 10 से 11:30 कर दें। सर ने एग्री कर लिया और 9 बजे क्लास रख ली। यकीन करो मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ और मतलब आधा लेक्चर मैंने सुना ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है। मैं घर की कसम से छुट्टी में भी 8 बजे उठा हूँ सर। यार मैं उठी हूँ, ठीक है, 9 बजे उठी हूँ, उसके बाद मैंने ऑन किया है, उस चली गई मैं वॉशरूम, वॉशरूम जाकर फ्रेश हुई हूँ, साथ लेक्चर चल रहा है, साथ फ्रेश हुई हूँ, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। Nice. लेकिन यार सर को बोलो रिकॉर्डेड कर दें यार, ये बड़ा बैड सीन है। समझ भी नहीं आ रही यार, नहीं आती समझ। एक तो सर की आवाज इतनी हल्की सी है, वो समझ ही नहीं, मतलब बहुत मसला हो रहा होता है। सर से कहते हैं कि सर देखें अब हम 2 ही बच्चे हैं, आप रिकॉर्डेड ही कर दें ताकि हम लोग कर ले हमारे लिए। तुमने बाकी यार एंटीना वगैरह का पढ़ना स्टार्ट किया है? एंटीना शुरू किया सर, एंटीना शुरू किया, कुछ नहीं किया। एंटीना स्टार्ट किया और क्या स्टार्ट किया है? कुछ भी नहीं यार, मैंने आज से स्टार्ट करना है। मैंने कहा मेरे ना रिकॉर्ड, यार अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या सीन है, डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ हाँ वो टीम्स हो जाते हैं। किसना हो गया मुझे जरा बताना। कन्वर्सेशन में जाओ तो वीडियो को अपलोड आ रहा होता है लिखा हुआ के अपलोड हुई है वीडियो, सर डाउनलोड का ऑप्शन होता है, डाउनलोड के बटन क्लिक करो तो डाउनलोड लग पड़ेगा। बस मैं कर लेती हूँ सारे लेक्चर। एंटीना के टोटल कितने लेक्चर है? 3। हाँ 3 है, लेकिन याद रखना वो 20 डेज के बाद लिंक एक्सपायर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। 20 डेज अपलोड करने के बाद 20 डेज के अंदर अंदर डाउनलोड करना होता है। ओ अच्छा अच्छा और सर जान जेब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो भी खैर टीम्स के ऊपर ही है वायरलेस वाले। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ यार, ऐसा ना हो कि डिलीट हो जाए। सही है। और सुनाओ एसआईपी का डिफेंस कैसा रहा? अच्छा था, तुम्हारे तो हमारा भी बहुत अच्छा रहा। कितने क्वेश्चंस हुए? 2 या ऐसे सर दानिश ने पूछे थे 2। क्या पूछा था? हाँ नहीं याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा हो गया, फिट हो गया। हाँ सही था यार, निकल गया जबरदस्त है। अभी फाइनल इन्होंने क्या बताना है कि सिलेक्शन किस किस की हुई है, कब बताएंगे? खैर इस वीक आ जाना था। यार सर से बात करो यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। हाँ बोलते हैं दोबारा से बोलते हैं सर। सर जानदेव से भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करनी है। हाँ उनसे भी करनी है। सर जानदेव से कहते हैं कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही ठीक है, पेपर ऑन कैंपस होने हैं, तो सर ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से चीटिंग करेंगे। तो सर को थोड़ा भरोसे में लाके कहते हैं कि सबको बोल दें कि प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिया करें। हाँ सही रहेगा। और इन टीचर का तो यार आवाज ही नहीं आता, मसला सारा ये है। किनका? बाकी किधर है, कोई क्लास में आया क्यों नहीं है? सर ने ब्रेक दी हुई पैसा है। सर चले गए हैं? कौन कौन था? उसामे ही था? नहीं बस उमेर था। अच्छा बस उमेर था और नहीं था मैं बस बस शुरू में सामान बट भी था वो चला गया था।
वहाँ पे चला गया था, मैं आई थी बीच में, फिर मैं चली गई, फिर मैं दोबारा आ गई। बस चलो यार थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। पता नहीं ना सर यार, अब एग्री होंगे या नहीं होंगे, तो अब आने क्लास में या नहीं, खत्म हो गई है। आएंगे 10 मिनट में, चले जाते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ओके जी। सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज जी, अभी आवाज आपको क्लियर है? हाँ सर अभी तो आ रही है। ठीक है,
चले हम यहाँ अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे हम देख रहे थे कि लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ये जो कैपेसिटेंसेज हैं इनकी वजह से आपका रिस्पांस अफेक्ट होता है, ठीक है। और हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपकी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेज हैं और उसमें नेटवर्क है और एक्टिव डिवाइस, उसकी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेज वो मैंने आपको बताया कि जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस में दो चीज़ें हैं, एक सर्किट है या नेटवर्क वायर्स है तो वायरिंग कैपेसिटेंस होती है, और दूसरा जो है वो एक्टिव डिवाइस कौन सी है, जैसे आपका BJT है या FET। ये एक्टिव डिवाइस है जो कि एज एम्पलीफायर यूज हो रही है, तो इसकी अपनी इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस, तो ये भी कैपेसिटेंस है, वायरिंग कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस। तो जो एम्पलीफायर के अंदर जो डिवाइस है या वायर्स हैं उनकी कैपेसिटेंसेज जो है उनकी वजह से आपका जो रिस्पांस है वो हाई फ्रिक्वेंसीज पे जाके डिक्रीज करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी कैपेसिटेंसेज ही की बात हो रही है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंसेज ही की बात हो रही है, तो मेनली आपके एम्पलीफायर के अंदर कैपेसिटेंसेज हैं जो कि फिल्टरिंग एक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि फिल्टर कर रही हैं, एज अ फिल्टर काम कर रही हैं और सारी फ्रिक्वेंसीज को पास नहीं कर रही, कुछ फ्रिक्वेंसीज को पास कर रही हैं, कुछ को पास नहीं कर रही, ठीक है। तो जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, बाईपास कैपेसिटर्स, उनका रिस्पांस हाई पास रिस्पांस है, और जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस हैं उनका रिस्पांस है लो पास रिस्पांस, एंड द कम्बिनेशन ऑफ दिस टू इज द बैड पास रिस्पांस, ठीक है। ओके और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ जो उसने मेंशन किया दैट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑफ गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जो गेन पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं BJT के केस में बीटा है, बीटा जो है वो रोल प्ले कर रहा है, बीटा की वजह से ही ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर रहा है और हाई फ्रिक्वेंसीज पे उसका बीटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो बीटा डिपेंडेंसी फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंसी ऑफ द बीटा विल अफेक्ट द रिस्पॉन्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर कैपेसिटिव इफेक्ट्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ट्रांसफार्मर और पैरास्टिक। इस रिस्पॉन्स में भी हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर पैरास्टिक कैपेसिटेंसीज हैं और फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंसी और गेन पैरामीटर, ठीक है। तो अब हम हमारे पास जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं लो फ्रिक्वेंसीज पे और कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इनका एनालिसिस स्टार्ट करें कि हर कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह से रिस्पांस, हर कैपेसिटेंस की वजह से रिस्पांस किस तरह से डिटरमिन होगा और ओवरऑल रिस्पांस कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ट्रांजिस्टर है उसमें बहुत सारे कैपेसिटेंस हैं, इसमें बहुत सारे कैपेसिटेंस हैं, कुछ कैपेसिटेंस हैं जो कि ट्रांजिस्टर के इनहेरेंट है, कुछ वायरिंग कैपेसिटेंस हैं, कुछ आपकी जंक्शन जो आपकी कपलिंग और बाईपास कैपेसिटेंस है। तो ये सारी कैपेसिटेंसेस जो हैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा जिसकी वजह से अब आपको एनालिसिस परफॉर्म करना है और इफेक्ट फाइंड करना है ड्यू टू दी ईच कैपेसिटेंस, एंड टुवर्ड्स दैट वी वर नाउ गोइंग टू सी कि हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस तरह से एनालाइज करेंगे। अभी हम उसके लिए एक सिंपल सर्किट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक मेरे पास एक इस तरह का एक टोपोलॉजी है जिसमें ये कैपेसिटेंस है और एक रेजिस्टेंस है,
और इस नेटवर्क का हम फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करना चाहें। इसको हम देखते हैं किस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे और इसका जो गेन होगा वो गेन फ्रिक्वेंसी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा। इसका जो गेन है वो हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। और इसका जो फ्रिक्वेंसी की डिपेंडेंसी है उसको हम एनालाइज करते हैं। आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है सर, हम राम से जी। अब ये जो एम्पलीफायर है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। This is output. This is capacitor CC. Collector capacitor. This is source side capacitance. This is internal resistance RS. This is VS. This is bypass capacitance CB. Okay. तो ये वो तीन कैपेसिटर हैं जो कि अभी आपको मैंने दिखाया है। लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इनका पेपर है, दिस इज फॉर लो फ्रिक्वेंसीज। लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इनका रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज करते हैं। और कुछ कैपेसिटेंसेज हैं जो वायरिंग कैपेसिटेंसेज हैं, जैसे ये जो वायर्स हैं कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, इनकी वजह से कैपेसिटेंसेज को हम रिनोड करें सी डब्ल्यू आई, ठीक है। वायरिंग कैपेसिटेंस ऑन इनपुट साइड, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटेंस होगी सी डब्ल्यू आई, ठीक है। इसका कुछ वन करें, और इसी तरह से आउटपुट साइड के ऊपर जो वायरिंग कैपेसिटेंसी है सी डब्ल्यू नॉट वन, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस आएगी। और कुछ जो है ना वो ट्रांजिस्टर की अपनी इंटरनल कैपेसिटेंसी है, जैसे जंक्शन कैपेसिटेंसी है, बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर और इमीटर के दोनों के जंक्शन है। This is CBC based to collector capacitance. This is CBE based to emitter capacitance. This is CCE collector to emitter capacitance. ठीक है। तो ये सारे जो capacitance सर्किट में और additionally जो इस transistor का जो beta है, ये सारे के सारे फ्रिक्वेंसी जो आपको रिस्पांस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ये सारे कंपोनेंट्स सारे फ्रिक्वेंसी को पास नहीं कर रहे, कुछ कैपेसिटेंसेस लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ कैपेसिटेंसेस हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन ये लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रहे हैं, और ये जो कैपेसिटेंसेस है बाकी this one, this one, this one, and the wiring capacitances, ये high frequencies को block कर रहे हैं, ठीक है। जो mid frequencies हैं उनके ऊपर इनके effects जो है वो आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि mid frequencies पे ये short circuit होती है,
ये तो कस्टम्स, ये तो कस्टम्स, तो ये तो कस्टम्स, ये तो वो शॉर्ट सर्किट करते हैं। और जो बारिंग के कस्टम्स हैं, जो कस्टम्स हैं, ये ओपन होते हैं, ठीक है? तो मिड फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं कहूँ मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन उसमें सी एस सी सी और जो वायरिंग कैपेसिटेंसी है सी आई सी डब्ल्यू नॉट और जो जंक्शन कैपेसिटेंसी है सी डी सी ई सी 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 डी सी 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 ई ये सारी की सारी ओपन ठीक है। आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स हमारी यस सर तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इस सर्किट में आपको कैपेसिटेंसेस नजर आ रही हैं इन कैपेसिटेंसेस की वजह से अब हम एनालिसिस करके फाइंड करना चाह रहे हैं इस एम्पलीफायर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज फाइंड करना चाह रहा हैं और बैंडविड्थ फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज पास होंगी कौन सी फ्रिक्वेंसीज पास नहीं होंगी ठीक है। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है और बैंडविड्थ ठीक है। क्या कहते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे? वी हैव नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व एंड वी वांट टू एनालाइज द सर्किट एंड फाइंड आउट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज राइट। बाय द वे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? ये कैसे डिफाइन होगी? एनीवन फिल्टर्स आपने पढ़ा है ना?
लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास, जी जी आपके पास एक लो पास फिल्टर है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होगी? ओके एफ सी। इसी तरह से आपके पास एक हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होगी? जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी सर्किट की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो हम कैसे कंप्यूट करते हैं? चलो आप एक सिंपल सर्किट देखते हो आप उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। जी अब बताएं इस सर्किट की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जी बिल्कुल सही, 1/2 पाई ठीक है। इसमें जो आपके पास ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस, इसका जो रिस्पांस है वो किस तरह का होगा? तो ये रिस्पांस होगा ठीक है, ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन कंपोनेंट से डिटरमिन होगी ठीक है। ये जो रिस्पांस है क्योंकि आउटपुट और इनपुट है, इट इज गेन, गेन इज नथिंग बट आउटपुट अवर इनपुट। और ये जो गेन है किस तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे तो हम प्लॉट से देख रहे हैं, इसका एक्सप्रेशन हम कैसे काम करेंगे? गेन का एक्सप्रेशन हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो गेन है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है ठीक है। तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन से मैं उसका रिस्पांस डिवेलप कर सकता हूँ, उसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैं गेन कंप्यूट कर सकता हूँ ठीक है। तो वंस आई हैव द एक्सप्रेशन फॉर दिस गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड देन फ्रॉम दैट आई कैन सी द रिस्पांस ऑफ द एम्पलीफायर ठीक है, और उसी से फिर मैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंज। अभी हम देखते हैं कि इस सर्किट का हम रिस्पांस हम कैसे कंप्यूट करें। तो इसका एनालिसिस हम करके इसका हम गेन कंप्यूट करना चाह रहे हैं।
इसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको हम लाप्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वैसे हम इस प्रेजेंट फॉर्म कर सकते हैं इम्पीडेंस फॉर्म। इसकी इम्पीडेंस फॉर्म अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कर सकते हैं कर सकते हैं अब ये दो इम्पीडेंस हैं इनको मैं वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। आउटपुट विल बी इक्वल टू आर इनटू वी इन गिवन द आर माइनस वी एस सी। ठीक है, और यहाँ से मैं आउटपुट और इनपुट लिख सकती हूँ। आउटपुट अगर इनपुट लिख सकते ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गेन ऑफ दिस सर्किट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो गेन का एक्सप्रेशन है ये एक फ्रीक्वेंसी गेन आपका फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। फ्रिक्वेंसी का आंसर एक्स सी, एक्स सी इट्सेल्फ क्या है फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो जो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी इस एक्स सी की वैल्यू चेंज होगी और उसके साथ आपकी गेन की वैल्यू भी चेंज होगी। So gain is a function of frequency. निश्चित चीज इसमें देखेंगे जो गेन का एक्सप्रेशन है वो एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जिसमें ये गेट टर्म आ गए उसकी वजह से जो गेन है ये एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है। और जब भी कम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड आएगा और दूसरा इसका फेज आएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो भी आउटपुट होगी और इनपुट इनकी रेशियो जो होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी दी गेन ऑफ दैट प्रकार गेन ऑफ द सर्किट। और जो इन दोनों के दरमियान जो फेज होगा, ठीक है, ये कितना लीड लैग कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटेंस है इसमें तो इसमें लीड और लैग हो गया। तो आउटपुट और इनपुट के दरमियान क्या फेज डिफरेंस है वो उसके फेज से इस गेन के एक्सप्रेशन में दो चीज़ें हैं, एक आपका गेन और दूसरा इसका फेज। ठीक है, सो गेन भी फ्रिक्वेंसी के साथ साथ चेंज होगा और फेज एंगल भी आपको इनपुट के दरमियान फेज भी फ्रिक्वेंसी के साथ साथ गेन को। तो इस एक्सप्रेशन से आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी, नंबर वन इज मैग्नीट्यूड एंड नंबर इज फेज। सो मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू आर अंदर जो कम्प्लेक्स क्वान्टिटी है उसमें रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंदर हुए आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर अंदर हुए ये सब मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और जो फेज आएगा फेज विल बी आर दैट विल बी इक्वल टू फेज ऑफ द न्यूमिनेटर डिवाइड बाय फेज ऑफ द न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर का जो फेज होगा दैट विल बी जीरो बिकॉज फेज इज टैन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी और रियल, उसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है जीरो आर प्लस जेड ऑफ जीरो। तो जीरो टैन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी और रियल जीरो ओवर आर विच इज जीरो, तो टैन इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो बाय टैन इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो टेन वर्स ऑफ इमेजिनरी अगर रियल इमेजिनरी इज माइनस एक्स सी और रियल इज आर एट इज माइनस एक्स सी अगर इसको मैं सकते हैं जीरो माइनस टेन वर्स ऑफ एक्स
तो ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस फेल और ये दिस विल बी फेल एंड दिस विल बी डी माइनस. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज आल्सो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज इज आल्सो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी हम इसको कभी आगे तस्वीर करते हैं इस टाइम से. अभी हम मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस वन. और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर कितना होगा, यू नो कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैट इज डिफाइंड एज the frequency at which the gain is reduced to 70% of its maximum value. Okay, so gain की जो value है वो at cut off at C gain become equal to 0.707 of the maximum value in the mix. तो इसको आप इसको भी ले सकते हो, जैसे मैक्स इसको मैं मैक्स भी कह सकता हूँ, इसको मैं मिड भी कह सकता हूँ. जब मिड बैंड मिड जो ना उसको तो जो बैंड का बैग है मैक्सिमम ए बी मिड अगर अंदर हो. ठीक है, हम इसे अंदर सेवन करने ले सकते हैं और अंदर हो. तो यहाँ पर मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इट विल बिकम इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, हम यहाँ पे हैं बस के लिए इस वन डाउन रोड को और भी मैक्सिमम बनेंगे. फॉलो कर रहे हैं हेलो. यस सर. तो ये जो गेन है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका जो गेन होगा दैट विल बी 1/√2. ठीक है, और यहाँ से मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि इसका गेन जो है वो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर 0.707 है. ठीक है ना, जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्स है ये वाला फोन कट ऑफ के ऊपर और कट ऑफ के ऊपर भी 0.707 आउट. मैक्सिमम गेन इसका 1 है, मैक्सिमम गेन यहाँ देख रहे हैं कि इसे 1 से भी वन हो. तो इसके लिए रिजल्ट अगर ये रिजल्ट बात. ठीक है, यहाँ से मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँगा. ठीक है, दोनों तरह आप स्प्रे कर लीजिए तो यहाँ पर रेट कैंसिल हो जाएगा. एक विल बी आर स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर. ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देन इट बिकम आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू बी आर स्क्वेयर. ठीक है, और यहाँ से मैं इस पॉइंट में लेते हैं तो इट विल बी आर स्क्वेयर इसके यहाँ पर लेंगे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. इस आस्पेक्ट पर हम सब लोग इस मोड पर लिखते हैं और आस्पेक्ट और इस मोड पर आस्पेक्ट से.
लेकिन उसके लिए तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स सी का मान सकता हूँ वन ओवर टू पाई और दिस पार्ट की डिफिकल्सी एवरेज द गेन इज वन बाय द रूट सो इसको मैं सब्सक्रिप्ट कर देता हूँ जिसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एफ सी एवरेज द गेन वुड बी इक्वल टू वन बाय द रूट। So from here I can find out FC as FC would be equal to this capital is an R capital is going to this will become equal to 1 over 2 pi R C. Did you get that? Yes. Okay. So this is how you have the gain of the circuit, expression of the gain, and this gain is frequency dependent. This response आपने देखना है कि कौन से frequency के ऊपर gain maximum होगा, कौन से frequency के ऊपर gain minimum होगा, कौन से frequency के ऊपर gain आपका 0.707 होगा, ठीक है। और यहाँ से आपने देखा frequency dependent gain का expression होगा, इस gain का expression होगा log of the साथ ही हमारा फेस रिस्पॉन्स भी इसका देखिए अगर फेज आप कैसे भी देख सकते हैं तो फेज या फ्रीक्वेंसी के साथ कर दो कैसे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे हम एक और नई चीज करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो रिस्पॉन्स अभी है हमारे पास इसको हम बॉर्डर प्लॉट इसका डेवलप करेंगे। ये रिस्पांस अभी जो आपको नजर आ रहा है ये आपका एक लीनियर रिस्पांस है जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो भी लीनियर है और वाई एक्सिस भी लीनियर है। जो टिपिकली आप रिस्पांसेस इसको प्लॉट करते हैं फॉर द ऑडियो एम्पलीफायर्स एंड फॉर कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनको आप उनका बॉर्डर प्लॉट डेवलप करते हैं, ठीक है। बॉर्डर प्लॉट में आपका जो फ्रिक्वेंसी एक्सेस होता है वो लॉग स्केल के ऊपर होता है और जो वर्टिकल एक्सेस है जो गेन एक्सेस है उसको आप डीबीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका लॉग स्केल है और ये डीबी डीबी डेसिबल क्वांटिटी है, ठीक है। और जो स्केलिंग होती है इसकी वो लीनियर स्केल होती है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस जो होती है वो लीनियर होता है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस लीनियर होता है लीनियर और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो आपका लॉग एक्सिस होता है, ठीक है। लीनियर एंड लॉग सो इसलिए इसको कहते हैं सेमी लॉग। अगर वर्टिकल जो लॉग स्केल हो और हॉरिजॉन्टल जो लॉग स्केल क्या होता है इसको कहते हैं लॉग लॉग प्लॉट्स, ठीक है। और इसमें अगर एक आपका लीनियर है दूसरा लॉग फ्लिक्स स्केल के ऊपर है तो इसको कहते हैं सेमी लॉग। जो हम प्लॉट इस चैप्टर में हम कवर करेंगे दैट विल बी सेमी लॉग प्लॉट्स, ठीक है। तो सेमी लॉग प्लॉट में हम एक्स एक्सिस को लॉग स्केल पे और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस को लीनियर स्केल के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि नंबर वन रीज़न इज दैट द एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी एक्सिस इट स्वीप्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना दैट इज वेरी वाइड फ्रॉम 0 हर्ट्ज़ टू गीगाहर्ट्ज़ और टेराहर्ट्ज़, ठीक है। तो इतनी लार्ज स्केल के ऊपर जब आप स्केलिंग करते हैं तो यू कैन यू कैन नॉट वॉट द रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर दिस वाइड रेंज ऑन आर लीनियर स्केल, ठीक है। तो एक रीज़न ये है कि लॉग स्केल के ऊपर आप इसको इस तरह से लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस को डीबी में क्यों लेके जा रहे हैं उसको मैंने कहा लीनियर लीनियर स्केल के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं, लेकिन लीनियर स्केल में भी इसको आप पहले क्वांटिटी को डीबी में तो डेसिबल क्या चीज़ होती है डेसिबल इज द लॉग्स
और कन्वर्जन, तो किसी भी क्वांटिटी का लॉग टू द बेस 10 अगर आप लेते हैं तो डेल्टा डेसी डेसी इज फॉर 10, ठीक है, एंड डेल इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी जो कि पावर के लिए हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, जो पावर को हम डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो बेल इज बेसिकली जो आपकी यूनिट है दैट इज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, एक साइंटिस्ट था हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन, ठीक है। कुछ आइडिया आपको होगा डेसिबल्स का आइडिया है कुछ? हेलो यस सर, डीबीएस का कुछ आइडिया है? डीबीएस क्या होती है और डीबीएस पावर को अगर मैं डीबीएस में रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं और वोल्टेज को कैसे करते हैं, पावर गेन है या वोल्टेज गेन, इनको डीबीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या आइडिया है? ओके लेट्स सी, ये पावर गेन है इसको मैं डीबीज में अगर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो ए पी इन डीबी वुड इक्वल टू 10 लॉग ऑफ माइक्रोकंट्रोलर्स, और वोल्टेज गेन को कन्वर्ट करना डीबीज में दैट वुड बी 20 लॉग ऑफ 10 इनटू 3, ठीक है। तो पावर के लिए 10 लॉग और वोल्टेज के लिए 20 है, ठीक है। बेसिकली जो पावर गेन है वो आपको पता है कि जो पावर गेन का उपयोग आप पी आउट और पी इन और पी आउट इनको वी आउट स्क्वायर ओवर आर एम और पी इन इनको वी इन स्क्वायर ओवर आर और अगर कंसीडर करेंगे तो वी आउट ओवर वी इन, ठीक है। तो इसमें से जब डिस्प्ले पीछे आता है यहाँ पर पावर में तो ये 10 से आपके पास 20 है। बाय डेफिनेशन किसी भी क्वांटिटी का जो लॉग है डीबीज है वो आप उसको डीबी इज द लॉग ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। डेल डेल इज द लॉग ऑफ द क्वांटिटी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डीबी का डेसिबल इज द 10 लॉग ऑफ द क्वांटिटी, डेल इज द स्मॉल यूनिट विच इज द लॉगरिथमिक ऑफ द क्वांटिटी और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच बिकम 10 विच बिकम डेसिबल, ठीक है। तो लिख दी क्वांटिटीज को ना आप लॉग में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पावर गेन है उसको मैंने लॉग में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो आपके इक्विपमेंट हैं जो ऑडियो एम्पलीफायर्स हैं या ऑडियो इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो उनका जो रिस्पांस है वो लॉगरिथमिक स्केल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये लो कि आपके जो एयर का रिस्पांस है आपके जो आप जो सुनते हैं कान से सुनते हैं वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड इंटेंसिटी को वो किस स्केल पे करते हैं, एयर का रिस्पांस किस पे करते हैं, लीनियर होता है या लॉगरिथमिक होता है, इसको कहते हैं ऑडिटरी रिस्पांस। जब से
इसके लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये शुरू के जो एथिक्स एंड लॉ सीरीज है आप ब्राउज करें, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है ह्यूमन ऑडिटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको अगर चेक करें कभी करें जो आपकी डीपीएम डीपीएम क्या होती है, पावर लेवल जो है ना, इनको आप जो गेन है गेन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी पावर गेन, ठीक है। और इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 10 इट बिकम्स 10 लॉग ऑफ द गेन डेसिबल, ठीक है। एक और टाइम यू विल गेट डी पी एम, जिसमें के जो पावर लेवल है पावर गेन है दैट इज कंप्यूटेड विद द रेफरेंस ऑफ 1 मिलीवाट। ये मैं आपको एक लार्ज स्केल के साथ में लार्ज स्केल के साथ लेती है ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज द लार्ज स्केल एंड वर्टिकल एक्सेस इज द लीनियर स्केल, और ये जब ग्राफ है ग्राफ पर करा दैट इज द सेमी लार्ज रख सकते हैं, ठीक है। देखा आप लोग पहले इसमें जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज प्रीटी मच कंप्रेस कंप्रेस इन दिस मैच, इसमें जो वैल्यूज हैं ये अपनी होती और जैसे 1, 2, 3, 2 और 3 के दरमियान आप गैप नोट करो, 3 और 4 के दरमियान गैप नोट करो, तो ये लीनियर नहीं है, लीनियर है, ठीक है। इसका आइडिया है आपको जो ग्राफ पेपर है सही लग रहा है आपको, ये यूज किया हुआ आपने सभी लोग बात से यूज किया हुआ जी है नाम जियाउल्लाह यस सर जिया आप आ गए सर, काफी लेट ज्वाइन किया आपने जी, एफ आई पी का काम क्या आवाज आ रही है आपको, क्या आप माइक ऑन कर सकते हैं? आवाज नहीं सर आ रही। अच्छा, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही जी, अभी सर आवाज आई है। मैं ये कह रहा था कि कुछ समझ आ रहा है आपको, लेट ज्वाइन किया आपने सर, लेट एक्चुअली मेरा ना आज वो था दोबारा, हमें सर ने कहा था कि मेरे साथ वो एफआईपी से रिलेटेड ही बात करनी थी, तो उस वजह से सर उन्होंने सुबह के टाइम का जो है ना इन्वॉल्व कर लिया था हमें अपने साथ। अब मैं सर इधर ही हूँ, आपका लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं बाद में एक दफा सुनूंगा इंशाल्लाह, तो मैंने पहले भी ये पढ़ा हुआ है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, गुड, सही है जी सर, ये तो अच्छे बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है इसमें हम एक्स फ्रिक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर गेन को प्लॉट कर रहे हैं, और जो गेन है वो हमने
कंप्यूट करना है फॉर द बीजेट एम्पलीफायर जिसमें काफ़ी सारे कैपेसिटर इन्वॉल्व हैं, और उसमें टूवर्ड्स डैट हमने स्टार्ट किया एक सिंपल सर्किट से, ठीक है। सिंपल जो हमारे पास एक हाई पास फिल्टर है उसका हमने गेन का एक्सप्रेशन कंप्यूट किया और उससे उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कंप्यूट किए, और यही वाला काम जो है वो हम बाकी कैपेसिटर्स के लिए भी वन बाय वन करेंगे, सो दैट हम एम्पलीफायर कंप्लीट एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स हम फाइंड कर सकें, ठीक है। आप आगे चल के देखेंगे तो जो एम्पलीफायर हमारा कंप्लीट एम्पलीफायर है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू सच लो पास एंड हाई पास सर्किट्स विद सिंगल कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, सिंगल कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम अपने कॉम्प्लेक्स सर्किट को ब्रेक करेंगे फॉर ईच कैपेसिटेंस, जस्ट लाइक आप जिस तरह से सुपर पोजिशन आप यूज़ करते हैं कि सुपर पोजिशन में अगर आपके पास एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज हैं तो आप वन बाय वन हर वोल्टेज सोर्स के साथ सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं और एंड पेपर जो रिजल्ट है उसको आप कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा जो सर्किट है इसमें वोल्टेज सोर्सेज के बजाय हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, जो कैपेसिटेंसेज हैं इसमें देर आर मोर देन वन कैपेसिटेंसेज इन्वॉल्व इन द सर्किट, और उसमें हम ये कर रहे हैं कि हर कैपेसिटेंस को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हैं और उसके इफेक्ट को हम कंप्यूट कर रहे हैं उस कैपेसिटेंस की वजह से गेन का जो हमारा बनेगा वो किस तरह का बनेगा, क्या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, और एंड के ऊपर हम सेवरल कैपेसिटेंसेस के इफेक्ट को कंबाइन करके ओवरऑल रिस्पांस फाइंड करेंगे, ठीक है। ओवरऑल रिस्पांस में हम जो इंटरेस्टेड है वो ये है, हमें पहले से पता है कि हमारा जो ओवरऑल रिस्पांस ये म्यूट कर दें आप माइक जो शुरू आ रहा है तो आपकी आवाज आ रही है, माइक बंद कर दें प्लीज। हनान आपका माइक ऑन है अभी। सर ये आप खुद इधर से म्यूट कर दें अपने पास से। चलो ठीक है, अच्छा जिया मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ओवरऑल रिस्पांस है ना वो एक बैंड पास रिस्पांस है, उसमें हम दो फ्रिक्वेंसीज हैं जो कि कंप्यूट करना चाह रहे हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और एक हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। आप अपना माइक ऑफ रखें। तो हमारा जो टारगेट है वो ये हमारा टारगेट है, हमने फ्रिक्वेंसी और गेन, फ्रिक्वेंसी हमारी होगी लॉग स्केल के ऊपर, गेन जो होगा वो डीबी होगा और डीबी में भी हम इसको पहले करेंगे नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज गेन इन डीबी, एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रिक्वेंसी जो कि लॉन्ग स्केल में होगी, वाई एक्सिस के ऊपर जो गेन होगा दैट विल बी फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड एंड देन कन्वर्टेड इनटू डीबी। तो नॉर्मलाइजेशन हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है और उसके बाद फिर हम जब नॉर्मलाइज कर लेंगे तो उसको हम डीबी में कन्वर्ट करेंगे, अगर डीबी में कन्वर्ट करने के लिए डीबी में करना है तो हम जो भी नॉर्मलाइज गेन हो गए उसको हम 20 लॉग ले लेंगे उसका, ठीक है, पहले लॉग ले लेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास जब गेन आ जाएगा ब्रैकेट भी नॉर्मलाइज गेन इन डी, ठीक है। ये जो मेरे पास जो क्वांटिटी होगी ये वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रिक्वेंसी का फंक्शन होगी,
और एक्सेस के ऊपर बोलता फ्रिक्वेंसी जो होगी वो लॉग स्केल में होगी। लॉग स्केल में जब फ्रिक्वेंसी को मैं प्लॉट करूँगा तो अगर जैसे वो जीरो हर्ट्ज से इंफिनिटी हर्ट्ज पर जा रही है तो इसमें जीरो हर्ट्ज के बाद वन हर्ट्ज, टू हर्ट्ज, टेन हर्ट्ज, हंड्रेड हर्ट्ज, फिर वन किलो हर्ट्ज, वन किलो हर्ट्ज, फिर वन मेगा हर्ट्ज, ठीक है, ये सारी जो फ्रिक्वेंसी हैं उनको मैं जब लॉग स्केल पर लेके जाऊँगा तो जीरो का लॉग कितना होगा, ये जीरो ओरिजिन जो है ना वो लॉग स्केल के ऊपर कहाँ पर लॉग कर रहे हैं जीरो, जीरो का जब मैं लॉग लूँगा तो लॉग ऑफ जीरो क्या होगा, लॉग ऑफ जीरो कितना होगा, वन सर, लॉग ऑफ जीरो जीरो जो होता है ना वो होता है माइनस इनफिनिटी, लॉग ऑफ जो टेन होता है ना वो आपको होता है, ठीक है, सही सर, लॉग ऑफ वन जो होता है जीरो, ठीक है, ये सारे जो है बेस को जो टेन है, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी एक्सिस के ऊपर जो ओरिजिन है, ओरिजिन दैट वुड बी एट माइनस इनफिनिटी, ठीक है, और इस जो लॉग ऑफ वन है वो जीरो है, तो इसका मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी हम स्टार्ट कर सकते हैं वो वन हर्ट्ज पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वन हर्ट्ज के ऊपर ओरिजिन पड़ा, तो वन हर्ट्ज पर कितना पड़ा होगा ओरिजिन, ठीक है, लॉग स्केल पर, लॉग स्केल का जो ओरिजिन होगा वो वन हर्ट्ज पर पड़ेगा। उसके बाद जो 10 हर्ट्ज होंगे, 10 हर्ट्ज दैट विल बी एट 1, ठीक है ना, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, लॉग स्केल का 1, दिस इज लॉग स्केल, ठीक है, लॉग स्केल का जो 1 होगा वो उसके ऊपर 10 हर्ट्ज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लॉग ऑफ 100 कितना होता है, लॉग ऑफ 100 दैट इज 2, log of 1000 that will be 3, log of 10,000 that will be 4, ठीक है, तो ये समझ आए 10 की पावर 2 है विच इज log of 100 एंड 4, ठीक है, तो हर डेकेड के बाद, हर 10 फ्रीक्वेंसी के बाद आपके जो वैल्यू होगी वो लीनियरली इंक्रीज करेगी, ठीक है, दिस इज वन, दिस इज टू एट माइनस पावर 2, और 3 कहाँ पर होगा एट माइनस पावर 3 इंसान, ठीक है, 3 इंसान, ठीक है, दिस इज वन डेकेड ऑफ इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो एक डेकेड आ गया, जिसको कहते हैं डेकेड, फ्रीक्वेंसी के बहुत थोड़े टाइम में मैं किलो हर्ट्ज और फिर मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज पर पहुंच जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स है वो इन फ्रिक्वेंसी के ऊपर किस तरह होगा, ये बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स है ये नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स है, नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स में आपके पास ये भी कुछ इस तरह रिस्पॉन्स, ठीक है, नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स आपका जो होता है वो मैक्सिमम 0 डिग्री पर, 0 डिग्री से हमेशा बिलो होगा, नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स जो डिग्रीज में होगा वो मैक्सिमम जो टच करेगा वो 0 डिग्री पर टच करेगा, और बाकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये 0 डिग्री से कम ही रहेगा, ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री से कम रहेगा, इट हैज सम नेगेटिव वैल्यू, तो ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक है,
इसका मैंने आपको यहाँ पे एक प्लॉट दिखा दिया। दिस इज मैक्सिमम एट 0 dB और उसके अलावा जो है ना इसका रिस्पॉन्स नेगेटिव है, देयर विल बी सम नेगेटिव वैल्यूज एट गेन। ठीक है, तो ये ओरिजन है, ओरिजन से नीचे जो नेगेटिव वैल्यूज है, ऊपर अगर होगा तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज किया है तो नॉर्मलाइज में मैक्सिमम जो है वो 0 dB तक जाए, इसका इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलें फिर अभी ब्रेक करते हैं 10 मिनट की, आखिर जो आधा घंटा है उसमें फिर हम इस आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सही सर। अरे आपकी आवाज कट रही है, वीडियो भी ग्लिचिंग हो रही है। अभी जो है ना ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ब्रेक है। ठीक है, ठीक है सर।
हाँ जी दोबारा स्टार्ट करें। मैं एक्सक्यूज से एक बात पूछूं जी सर, रिकॉर्ड पे जाएंगे सॉरी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स करेंगे आप? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ ये जो शुरू का पहला चैप्टर है इसका भी कुछ पोर्शन है। आवाज नहीं आ रही सर, प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग पर जाएंगे, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हुई भी है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ पहला लेक्चर पहले जो चैप्टर है वो रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए ना ये आपको हम ऐसे ही कवर करें, उसके बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा। ठीक सर, कितने और लेक्चर जैसे चलेंगे ऑनलाइन सर? उधर समय दरमियान में वो डिस्ट्रप्शन कभी कभी आ जाती है, इस वजह से। हाँ बस ये लेक्चर है और इसके बाद एक लेक्चर और है, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। चले अब आखिरी जो आधा घंटा रह गया इसमें हम इसको देख लेते हैं। एक चीज जो अभी हमें डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको ये सेक्शन 9.5 नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये आपको विजिबल है अभी। जी ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ये क्या होता है इसको हम देखने जा रहे हैं अभी। तो इसमें ये कह रहे थे फॉर एप्लीकेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन नेचर ऑडियो और वीडियो डेसिबल प्लॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज नॉर्मली प्रोवाइडेड rather than the gain versus frequency plot. जो अभी मैंने पहले आपको दिखाया था gain versus frequency plot, अगर 9.8 में
आप जाके देख सकते हैं प्लॉट को, वो बेसिकली था दैट वाज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, बट इन प्रैक्टिस इन एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन नेचर व्हाट यू नॉर्मली सी इज द डेसिबल क्लॉक वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स व्हेन यू पिक अप अ स्पेसिफिकेशन शीट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्पलीफायर और सिस्टम, द प्लॉट विल टिपिकली बी डीबी वर्सेस फ्रीक्वेंसी रादर देन गेन. Then what you do is to obtain such a plot, the curve is first normalized. Okay? So this message पहले आप इसको quantity को normalize करते हैं, जो gain होता है उसको पहले normalize करते हैं और फिर उसको dB में convert करते हैं. So what is normalization? Normalization is a process whereby the vertical parameter, which is the gain, okay? Gain आपका vertical axis के ऊपर होता है. And that parameter is divided by a specific level. Okay, normalization means you divide the vertical parameter by a specific level or quantity. Okay, so एक certain level के साथ या एक quantity के साथ आप उसको divide कर देते हैं. Okay, so vertical parameter आपको क्या है, gain है, तो उसको आपने divide कर देना है एक quantity के साथ, and that quantity is usually the mid band or maximum gain of the amplifier. Okay, so this is called mid band or maximum gain of the frequency range of inputs. So frequency range of inputs pe aapki jaise pass kar diye, agar aapke paas hai to band pass filter mein pass kar sakte hain, agar aap interested honge aap mid frequency mein kar sakte hain. Ye jo frequency hai, mid frequency range ke andar आप डिस्टर्ब में कौन से फ्रिक्वेंसी पास होगी, तो उससे पता चलेगा कि इस एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या है. तो नॉर्मलाइजेशन क्या है बेसिकली, नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली प्रोसेस इन विच द वर्टिकल पैरामीटर इज डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक लेवल, एंड इन अवर केस द गेन इज divided by the mid band value of the amplifier. ठीक है, तो ये जो अभी आपको रिस्पॉन्स पहले दिखाया था उसको अब आपने वर्टिकल एक्सिस पे जस्ट गेन था, अब आपने गेन के बजाय उस गेन को डिवाइड कर दिया विद द मिड बैंड वैल्यू. तो एक उसका मिड बैंड गेन जो कि मैक्सिमम गेन है, दिस इज द मिड बैंड रीजन जिसके ऊपर गेन जो था डेट है मैक्सिमम, और उसको कहते हैं ए बी मिड. ठीक है, इस गेन की वैल्यू को आप जो वर्टिकल पैरामीटर है जो कि इस केस में गेन है ए बी, उसको डिवाइड कर देते हैं इस मिड बैंड गेन के साथ. ठीक है, तो हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो भी गेन की वैल्यू आ रही है उसको आपने इस स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड कर देना है. तो जब आप उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इस रेंज में डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू वन आ जाएगी. इस जगह पे ये वैल्यू 3.77 ऑफ दी ए बी मिड, तो ये कितनी रह जाएगी, 0.77 रह जाएगी. इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू थी जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई एवी बिट जीरो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स है, इसको मैं नॉर्मलाइज कर लिया चाह रहा हूँ. इसका जो गेन है वर्टिकल एक्सिस का गेन, ये प्लॉटेड है, और ये जो वैल्यू है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 128, दिस वन इज द वैल्यू एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो वैल्यू होती है दैट इज 0.77 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. और ये 0.7 इस नंबर को जब आप 0.77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 90.5. ठीक है, अब मैं इस रिस्पांस को नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं गेन की हर वैल्यू को, ये गेन जो है हर फ्रिक्वेंसी पे इसकी डिफरेंट वैल्यू है,
यहाँ पे 128 है, इस जगह पे आके ये 90.5 हो गया, और ये 90.5 से इसको ये डिक्रीज कर रही है, और ये 12.3 हो रहा है, क्योंकि हर प्रिंसिपल स्केल सर्टेन वैल्यू है, इस वैल्यू हर इससे पे जो भी वैल्यू है उसको मैं जो मैक्सिमम गेन है जो मिड बैंड गेन है उससे डिवाइड करता हूँ। इस प्रोग्राम में कर लेते हैं सॉल्व, ये मेरे पास बॉटम से इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0.5 इसको नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइजेशन में आप क्या होंगे नॉर्मलाइजेशन पर है। जो भी आपकी वर्टिकल क्वांटिटी है वर्टिकल क्वांटिटी होगी तो उसको आप एक स्पेसिफिक वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक वैल्यू कौन से मैं मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि ए बी मेट इस केस में ए बी मेट क्या होगी दिस वन विल बी ए बी ठीक है। तो मैं अब इसको ना मैं समझ कह रहा हूँ इस फ्रिक्वेंसी पे कुछ वैल्यू होगी इसको कुछ कितना बनी है इस फ्रिक्वेंसी पे इतना बना इस फ्रिक्वेंसी पे इतना बना हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो भी गेन की वैल्यू है उसको मैं इस स्पेसिफिक नंबर से विच इज 128 नंबर से डिवाइड करते जाऊँगा और जो मेरे पास नेट जो रिस्पॉन्स बनेगा वाई का जी नॉर्मलाइजेशन मैं इसके ऊपर ही प्लॉट कर लेते हैं ब्लू कलर से जो मैं प्लॉट करेंगे वाई का जी भी नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ बताएंगे इस पॉइंट के ऊपर इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन की वैल्यू कितनी है जीरो जीरो डिवाइड बाई 128 ठीक है वाई का जी जीरो। उसके बाद मैं इस फ्रिक्वेंसी पर देखें तो इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वैल्यू कितनी है 90.5 ठीक है। तो 90.5 को मैं किसे डिवाइड करूँगा 128 के साथ तो क्या आंसर होगा 90.5 ना फिर मैं इस नंबर को विच इज दिस वन इसको मैं 128 से लिया इसी नंबर 128 इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो वैल्यू आ गई थी 5.7 इसको मैं
दूसरे बात कर रहे तो इस काम के पास की वजह से भाई जिस काम की वजह से काम कर रहा है उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट के ऊपर इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इतना इतना जाना 124 जो भी गेन की वैल्यू उसको मैंने किससे डिवाइड करना है मेरी मिड से रिपीट 128 तो 128 या फिर बाय 128 कितना हो जाएगा 128 या फिर 128 इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो वैल्यू है मेरी 128 फिर जो आगे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी गेन की 0 0 डिवाइड बाय 128 तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ नॉर्मलाइज्ड रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट जैसे नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है और कट ऑफ के ऊपर 0.707 और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो जैसे ही डिक्रीज कर रहा है जैसे कि ओरिजिनल रिस्पॉन्स थे दोनों साइड पर थे लेकिन ये नॉर्मलाइज हो गया और इसकी जो मैक्सिमम गेन है वो 1 पे चले गए ठीक है और कट ऑफ के ऊपर 0.707 ठीक है आप इस नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स को आप डीबीएस में कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स इस तरह से देखना शुरू हो जाता है ठीक है सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है अच्छा मैंने कुछ कंप्यूटेशंस भी किए हैं जिसमें कि आपको मैंने बताया कि किसी भी एम्पलीफायर सर्किट का ब्रेक फ्रीक्वेंसीज और इसका गेन कंप्यूट करना चाहेंगे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट द एक्सप्रेशंस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ठीक है आज के लिए इतना ही यहीं पे हम ब्रेक कर रहे हैं ठीक है यहीं पे हम मतलब फिनिश कर रहे हैं इस लेक्चर को नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे ओके सर आपसे एक बात करनी थी जी सर वो आपने बोला था ना कि हम क्लास को स्प्लिट सर अभी लेक्चर ख़त्म हो गया ना हम आपसे बात कर सकते हैं ना जी जी खत्म लेक्चर ख़त्म हो गया जी सर वो आपने बोला था ना कि हम आपको फ्राइडे की स्लॉट दे दें कि आप मतलब एक मतलब 10 to 11:30 आप मंडे को पढ़ा दें और उसके बाद आप फ्राइडे को कर दें सर लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था ना लेकिन उसमें एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है ना
सर वो आ रहा था तो सर हमने उसे देखे सर वो आज ही क्लास में भी नहीं आया। और सर अगर मतलब इस तरह तो फिर हम मतलब हम सबके लिए प्रॉब्लम आपकी नज़र में नहीं बन रही कि देखिए सर हम लोगों को बार बार मतलब ब्रेक पे जाना पड़ रहा है और सर कंटिन्यूअसली मतलब कंजेक्टिव 3 आवर्स की क्लास आपके लिए कंडक्ट करना भी थोड़ा सा जैसा ही उठाओ सर थोड़ा सा आपके लिए भी टफ होगा। तो सर अगर तो मतलब जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ्राइडे की क्लास वो वैसे भी मंडे की क्लास में भी नहीं आता तो सर हम उस वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से ले ले रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तो होंगे ना सर वो उधर से मतलब अपना कंप्लीट करता रहे और सर उसको कोई इश्यू हो तो वो आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ ले। असल में ना फिर ये बाद में प्रॉब्लम हो गया ना, वो आज में भी किसी रीज़न की वजह से ना आया और बाद में रेगुलर हो जाए, तो ये तो हम नहीं कह सकते पहले से कि नहीं सर वो रेगुलर नहीं होगा क्योंकि सर देखें उसकी उसने बोला था कि फ्राइडे को ना मेरी 3 2 क्लासेस होती हैं वो रिपीटर है ना उसका सर कम्युनिकेशन का मेरे ख्याल से तो सर उसका ना वो वाली क्लास जो है वो फ्राइडे को होती है तो सर वो कह रहा था कि मैं मतलब फ्राइडे को ले ही नहीं सकता। तो सर जैसे अब हम लोग हैं आप खुद देखें सर 10 बच्चे हैं और उसमें से सिर्फ 2 बच्चे लगातार 3 घंटे आपके साथ क्लास ले रहे होते हैं, आधे बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं फिर चले जाते हैं तो सर इस तरह तो फिर अगर हम लोग स्प्लिट कर देंगे क्योंकि सर कंजेक्टिव 3 आवर की क्लास में सब लोगों के लिए इशू होता है कि हम लोगों को काम होता है और इस तरह की चीज़ें। और सर फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी आपको कहा था कि सर अगर आप रिकॉर्ड करके हमें दे दें हम आपके रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें और आप हमारे साथ इंटरेक्टिव सेशन रख लें जैसे सर लास्ट लास्ट तो सेमेस्टर में हुआ था वो काफी इजी था। पहली बात ये है कि जो स्टूडेंट है जिसका प्रॉब्लम है ना, हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते कि जिसमें कि उसका क्लैश आ रहा है। आप फ्राइडे के अलावा कोई दिन बता दें, बेशक सैटरडे बता दें, लेकिन सर वो सर मैंने उमेद से पूछा था उसका आ रहा था वो कह रहा था सैटरडे रखना है तो सैटरडे रख लो तो सर अगर आप सैटरडे कर दें तो वो भी लाइक हमारे लिए इजी होगा। हम बेशक सैटरडे को आपके को 1.5 आवर दे देंगे अपना कोई इशू नहीं है सर। हाँ, ये एक चीज कर सकते हैं हम कि सैटरडे को हम आ जाए, ठीक है? आप क्या कहते हैं सर आप भी सजेस्ट करें हमें कि अगर हम लोग मंडे को जैसे आपने कहा था 10 to 11:30 1 हाफ हम क्लास का रख लेते हैं मंडे को और एक हम सैटरडे रख लेते हैं। सैटरडे को भी हम क्योंकि सर सैटरडे को भी देखें अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे स्कूल्स खुले हुए हैं वो लोग भी तो सैटरडे को पढ़ा रहे हैं तो सर हम भी सैटरडे को ले लेंगे कोई मसला नहीं है सर। ठीक है, जानदेव साहब से बात कर लेते हैं, और अगर आप लोगों को बाकी क्लास फेलोज को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सैटरडे। कोई भी नहीं है लाइक सर आधे बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं और सर ये लोग ग्रुप में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते तो सर अगर आप मतलब अगर आपको कोई इश्यू ना हो तो सर कोई मसला नहीं है मैं सर जानदेव से बात कर लूँगी उनके साथ वैसे भी हमारी क्लास होती है कम्युनिक उसकी वायरलेस की ना तो सर कोई इशू नहीं है सर जानदेव के साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं तो आई होप वो अंडरस्टैंड करेंगे हमारी बात को। ठीक है, अगर वो उनको वो एग्री करते हैं और बाकी आपके क्लास फेलोज को सैटरडे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने में, तो मैं सैटरडे को क्लास ले लूँगा आपकी जी सर डेढ़ बेशक सैटरडे को आप इजी थोड़ा लेट कर लें लाइक 12 to 1:30 कर लें या जोहर की नमाज के बाद कर लें तो सर कोई इशू नहीं होगा क्योंकि सैटरडे को ऑलमोस्ट सारे वैसे भी घर पे ही होते हैं। घंटे। ठीक है, ठीक है, डिस्कस कर लेना चलिए फिर ठीक है आप। सर इंशाल्लाह आपको सही है सर मैं आपको ना डिस्कस करके फिर आपको टेक्स्ट मैसेज पे बता दूंगी। जो दूसरी आपने बात की रिकॉर्डेड लेक्चर की, वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो मैं आपको अभी दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, लेकिन अभी जो चैप्टर 9 है वो उसके कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है मेरे पास, उसके जी बाद जी के सर हैं। वो आप लेकिन सर अच्छा ये वाले जो आप लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सर ये आप कहाँ पे अपलोड करेंगे हमें गूगल ड्राइव का लिंक या तो आप दे दें 9 चैप्टर के पूरे आप एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दें उसमें आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दें फिर हम वहाँ से वो डाउनलोड कर लेंगे और बाकी जो आप बाद में प्रोवाइड करेंगे वहाँ से हम लोग फिर कर लेंगे। ठीक है, अभी वैसे ये टीम्स के ऊपर जो है उससे तो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वहाँ पे आगे हाँ रहेगा। सर हम
मैंने ना एंटीना के अपने डाउनलोड किए थे लेक्चर्स, लेकिन सर उसमें एक इशू आ रहा था कि वो 20 डेज बाद ना एक्सपायर हो रहे थे, और सर उसके बाद एक और इशू उसमें ये था कि वो डाउनलोड्स में ही पड़े, मतलब पूरे के पूरा जो लेक्चर है ना वो हम डाउनलोड करते हैं तो सर वो डाउनलोड के अलावा कहीं दूसरे फोल्डर में मूव नहीं हो रहा, और सर उसका जो नाम भी चेंज नहीं हो रहा। तो सर ये बात हमने सर अहमद से भी की है कि सर टीम्स पे डाउनलोड करने का एक ये नुकसान हो रहा है कि वो अगर वो डाउनलोड्स में ही पड़े हुए हैं लेक्चर्स, और बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं तो वो सारे नाम भी उसके नहीं चेंज हो रहे, और सर वो सारा एक तरह से ना सेम नेम्स के लेक्चर्स डाउनलोड हो रहे हैं। तो सर वो हमें इशू हो रहा था, तो हमने उनको भी ये बात बोली है कि आप काइंडली गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दें, तो फिर उन्होंने हमें गूगल ड्राइव पर अपलोड करके अपने सारे लेक्चर्स दिए थे। तो सर आप नहीं कर सकते इस तरह कि अगर आप गूगल ड्राइव पे हमें अपलोड करके 9 चैप्टर के और फिर दे दें लिंक, हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलें मैं चेक करता हूँ ना कि ये जो डाउनलोड का प्रॉब्लम है जो आप बता रही हैं कि डाउनलोड में नाम चेंज नहीं कर सकते। सर अगर आप लिंक तो मैं आपको स्क्रीन शॉट्स भी भेज दूँगी प्रॉपर वीडियो के साथ, क्योंकि ना वो हम लोग कल से ट्राई कर रहे थे, हमारे एंटीना के जितने स्टूडेंट्स हैं तो सर वो थोड़ा सा इशू आ रहा था कि वो नेम भी चेंज नहीं हो रहे हैं, वो डाउनलोड्स में ही पड़े रहते हैं, तो सर इसीलिए मैं चेक कर लूं। जी सर ठीक है, गूगल ड्राइव पे तो अपलोड करके ना आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह मैं आपको सर से बात करके इंशाल्लाह फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।